लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गाना बहुत अच्छा है, किसने गाया बेटे? मेरी माँ ने। तो तुम्हारी माँ कहाँ है? मर गई है। इतनी रात को कौन फोन किया? हेलो, विक्रम राठौर जिंदा है भाई। जीजू जीजू जीजू। हाँ, विक्रम राठौर जिंदा है। हाँ बाबूजी, बाबूजी विक्रम राठौर जिंदा है बाबूजी। कहाँ कहाँ देखा है तुमने उसे? इधर हैदराबाद। क्या है? आ? आ? आ?
बाबूजी उसकी समाधि यही है बाबूजी। खोदो रे। पूरे चंबल को हिलाने वाला ये विक्रम सिंह राठौर ऐसा है जो मर के भी जिंदा है। ये मामूली आदमी नहीं है। ए! ये किधर है देखो रे। अच्छा बाबूजी। विक्रम सिंह राठौर किधर है रे? किधर है रे? हरिहरा, भगवान की कृपा से मेरा पैर लगते ही तुम्हारा दरिद्र दूर हो जाएगा। त्रिपति कृपा से, वासुदेव कृपा से धन की प्राप्ति हो। इस कॉलोनी में साक्षात लक्ष्मी देवी आई है, कहीं हमारा वहन तो नहीं? चलो देखेंगे। लक्ष्मी देवी सच्ची में लक्ष्मी देवी माँ आई है। माता आ चुकी है, बहुत जल्दी आने वाली है, पीछे हट। अरे बाबा लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न हो गई है तुम पे। सच में स्वामी जी? बात मत कर, तुम्हें पैसा देगी करके बोली है माँ। ना स्वामी। बात मत कर, 100 लाख। 100 लाख स्वामी? बात मत कर। कब मिलेगा स्वामी? माँ लक्ष्मी देवी आधा वेटिंग करना, 100-200 कम भी रहेगा तो भी चलेगा, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे। नहीं स्वामी, वो भी लाने को कहिए स्वामी। बोलती है वो भी लेके आओ माँ, मानने वाली नहीं है। बैकुंठ क्रॉस कर ली, इंद्रोक से पास कर ली, बादल में आ गई, वो देखो तुम्हारे छत पे। स्वामी क्या हुआ? स्वामी बैठो स्वामी, क्या हुआ स्वामी? क्यों जा रहे हो अब रूट का स्वामी? अभी और क्या, तुम्हारे बाप ने मन्नत रखी थी कि तुम्हारा मुंडन तिरुपति में कराएंगे, लेकिन मन्नत पूरी नहीं की थी, इसलिए हनुमान जी अपनी धूम बीच में रखे लक्ष्मी देवी को आने नहीं दे रहे हैं। अरे अभी क्या उपाय करें स्वामी जी? हरि ओम हरिहरा, भगवान की कृपा से। तिरुपति की छुरी मेरे पास है, तुम मन्नत पूरी करो, हनुमान अपनी धूम हटा देंगे और माँ धन की थैली दे देंगी। जल्दी मुंडन कर दो स्वामी। अच्छा बेटी, तुझे तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, मुझे कितना दोगी? आपका उपकार नहीं रखूंगी स्वामी, 111 रुपए दे दूंगी। छे, तुम कितनी बड़ी लालची हो, तुम्हें लाखों रुपए मिल रहे हैं और मुझे सिर्फ 111 रुपए? अच्छा ठीक है, और 10 रुपए दे दूंगी। वाह, तेरे जैसी बालिका घर में एक क्षण भी रहना पाप है। जा रहा हूँ मैं। स्वामी ऐसे कुछ जा रहा स्वामी? चल हट, मेरे पीछे मत आ। अरे अरे स्वामी, आप आधा मुंडन करके कहाँ जा रहे हो स्वामी? अरे बाप, कॉलोनी वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, स्वामी जी ऐसा आधा मुंडन करके कुछ चले गए। मुंडन करवा लो मुंडन, वस्त्र में ब्लेड डाल के करूंगा, अच्छे से करूंगा साफ करके। ओ भाई साहब, इधर आओ ना। आया माँ जी, आया। बताइए, पति मरा मुंडन है तो 10 रुपया, मन्नत का मुंडन है तो 20 रुपया, आपका कौन सा टाइप का है? आधा मुंडन नहीं चलेगा, किसी और के शुरू किए हुए काम को मैं पूरा नहीं करता हूँ। ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा भाई, आधे मुंडन में बाहर कैसे जाओ? कितना चाहिए बताओ? 1000 रुपया। 1000 रुपए? कुछ कम करके बोलो। बोलता हूँ 1500। नहीं, पहले का नक्की करो। मुंडन करवा लो मुंडन, पूरे सर का 10 रुपया, आधे सर का 1000। अरे अतली, तू ऐसा नहीं था रे, एक ही दिन में इतने लोगों का आधा मुंडन कर दिया। अरे पूरा मुंडन अब मैं करता हूँ। शांत हो जाइए, एमएलए साहब बिजी है। मुझे बताइए, मैं उनकी पत्नी हूँ, बोलिए। माँ जी, अतली करके कोई चिदंबर स्वामी आया था, हम पे कितना जादूगर का बड़ा सर बढ़वा के डालेंगे। मैं अपना दुख किसको बताऊँ अम्मा? Hey!
मामा पूरा कलेक्शन 26,000 रूपए, 6,000 को बाजू में कर देंगे तो पूरा राउंड फिगर 20,000 रूपए। अभी वो क्या है? अब लो, अभी 5 रूपए को 5 पैसे का राउंड फिगर करे तो कितना? 5 रूपए? वही तो मैं बोल रहा हूँ, 6,000 को बाजू में रखेंगे तो बचा 20,000। ऐसा बोल, मुझसे धोखा नहीं चलेगा। दोनों लोगों ने मिलकर काम किया है, 10 तेरे 10 मेरे। थैंक यू। ये 10 मुझे दे, आधा सिर तुमने काटा आधा मैंने काटा, इसलिए 50-50। पूरा हड़पना चाहता है क्या? मेरे बाप, बचपन से देख रहा हूँ कभी भी तूने बराबर पैसे नहीं दिए, पूरा तू ही रख लेता है। नहीं चाहिए, ला। और मुझे ये देता है, धोखा देने वाला आदमी कभी भी ऊपर नहीं उठता। तू तो बहुत बड़ा पुजारी है ना। अबे 1,000 तो देना, चल 500 तो देना, 10 रूपए देना, चाहे भी खा। अबे बहुत माल गिन रहा है, किधर से लाया रे? लड़कियों को देखो ऐसा चला है जादू, इन लड़कियों को देखो ऐसा चला है जादू, तो बन जाता इशू हो जाए डिसुम डिसु। दीवान दिल पे हरगिज रहता नहीं है काबू, दीवान दिल पे हरगिज रहता नहीं है काबू। काबू में रखिए दिल तो खाएगा वरना चप्पल। देखो लड़की जब शॉट मारती है, दिल मेरा छोड़ो यारो धरती भी कांपती है। अबो 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 अबा बा अबा बा 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 बा, टेनिस की लड़कियों में इसका ही नाम होगा। तस्वीर अदाओं की ये है नाज कहीं इसमें, तस्वीर अदाओं की ये है नाज कहीं इसमें, हर एक अदा है कातिल अंदाज कहीं इसमें। दीवाना बन है, दीवाना बन है, दीवाना बन है जाता खुद को भी है भुलाता, दीवाना बन है जाता खुद को भी है भुलाता, भूला नहीं समाता इसके ही गीत गाता। खूबसूरत मुझको तो ऐसी परिया लगती है, खूबसूरत मुझको तो ऐसी परिया, जी चाहता है इनसे मिल जाए एक चांस तो। सीढ़ी उतरा हूँ, थोड़ा तो दम लेने दो, तुम्हें तो पता है कितना चल रहा हूँ, थोड़ा ही तो खा रहा हूँ, न जाने कब कम होगा ये शरीर। शरीर कम नहीं हुआ तो दिल का दौरा पड़ता है। क्या हुआ आपको?
उठिए, क्या हुआ आपको? अरे उठिए, कुछ बोलते क्यों नहीं? मामा जी देखिए इनको क्या हो गया है? कौन? जरा कोई देखिए प्लीज। हार्ट पेशेंट के पास आवाज किसने किया बताओ, नहीं तो पुलिस को कंप्लेंट दे दूंगा। इज्जत से बोलो, किसने किया है नाम बताओ। पहले ही कहा था बदन पे इतना सोना मत डालो, इससे भी दिल का दौरा पड़ सकता है। सत्य बाबू यार, मोविट 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 मोविट। ऐसी देखी कभी न जैसी, देखो ये नर्स ऐसी देखी कभी न जैसी, मुझको पता चला ना, मुझको पता चला ना, हाँ सुई चुभाई कैसी। कैसे जाऊं अंदर, कैसे जाऊं? अब इस वेश में अंदर कैसे जाऊं? चोरी भर अंदर, चोरी अब बोलू चतुर्भुज। ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णुय नमः, ओम मक्खनचूराय नमः, ओम ब्लेडाय नमः, ओम कचराय नमः, ओम तिली गौड़ कमनशाय नमः। भगवान आपके आशीर्वाद से दिन रात मैं कष्ट करके वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर से आपको उठाकर लाया हूँ। भगवान तेरी कृपा से, आपकी दया से NTR गार्डन का बेंच स्वाहा, दूध केंद्र का दूध केंद्र स्वाहा, गांधी गली का पोस्ट बॉक्स स्वाहा, रेलवे स्टेशन का टीवी स्वाहा और पब्लिक बूथ का टेलीफोन स्वाहा। हेलो सती भांजा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए सर? मामा किसका फोन है? अपने चोरों का इन्फॉर्मर फोन। तू जो देखा वही लड़की चंबल दास शादी में आई है। हाँ। और जो घर देखा ना उसका घर है। और क्या, हफ्ते भर तक का ठिकाना अपना वही। ओके, बाजू की गली में 4 लॉरी खड़ा कर देता हूँ, सारा सामान चुरा के रख देंगे। अबे दुआ, अपन उधर अपना लव मैटर सेटल करने के लिए जा रहा है। तुझे लव नहीं हो सकता क्या? अबे संभल के रहना, उधर कुछ नाटक किया ना उधर ही काट के शादी वालों को पुलाव बना के खिला दूंगा। तेरी तो निकाल दूंगा। ए सती चल बोल दे अंदर से। अरे अरे अच्छा अच्छा प्यारे मेरे बच्चा, अंदर 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 चलो चलो अंदर चलो चलो चलो। इस बार के लिए छोड़ दे, इस कॉलोनी की औरतें अच्छी नहीं है। ये अतली उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आज मेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा चलो बाहर निकलो, बड़े हैं सचिन और धोनी बनने, बैट घुमाते अगली बार दिखना मत, एक एक को कैची से काट दूंगा, समझ रहे क्या है? Hey,
बोल क्या है? अरे सच नोड़ा, नी चेत निरगी पोनु, नीकु मारा गोच्चे बच्चे ने पुटक नी तेरा घर टूट जाए, तेरे घर में आग लग जाए, तेरे सारे बाल जल जाए। भांजे, डरना मत, पीछे मत हटना। ये मैटर आज खत्म करने का है। समझ, आज मैटर खत्म हो गया। अरे सन्नाटे बदबू लारा, पिल्लल भी जंतर मी प्रतापालो। बच्चे को ऊपर क्या, मैं तेरे आदमी को भी धोऊंगा। मां मुगले कोड़े पितावरा। हां धोऊंगा। నువ్వే గనక మగాడివైతే నీకే గనక దమ్ము ఉంటే నా మొహం బట్టి పడ రారా ఏ కర్ కర్ రయ్యా తి మదాన్ కి దేఖనే కే మేకో కప్ నా ఉతారు వో జో బోలా వో కర్ కే హి రహేగా ముజే ఛోడ్ దేఖా మేరా పవర్ నిక్లో యహాన్ సే అబే తుజే కాట్ కే నమక్ మిర్చీ భరే బగర్ నహీ జాయేంగే సమ్జా మరేలీ కహే కి తూ బాల్ పకడతీ హై మేరే मुझे क्यों समझी क्या? दोबारा यहाँ पे दिखाई मत देना। अरे दूसरी बार सत्ती बाबू से पंगा लेगा, नंगा करके रख दूंगा। अतिली औरतें थे इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो आज मैं पता नहीं क्या कर देता। बंदर के तरह दीवार पर चढ़कर तमाशा देख रहा था और मुझे हेलमेट से भी मारता। क्या हुआ भांजे? मामा काले बिल्ली सामने आए तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे नहीं आना चाहिए। शनी बड़ा शनी, तू ची। एंट्री किधर है? दरवाजा तो सामने है। वो सब मैं जानता हूँ, इधर हफ्ते भर सेटल होने के लिए एक को पागल बनना पड़ेगा। उधर देख, वो सॉलिड पर्सनालिटी दूल्हे की माँ होगी। हाय अंकल। हाय बेटी। कौन है ये? मेरी बेटी की फ्रेंड। इनको इतनी भी तमीज नहीं है कि सामने बैठे बड़ों के पैर छू के जाना चाहिए? आजकल की लड़कियाँ कितनी बदतमीज हो गई है, मालूम नहीं है। मौसी, मौसी, मेरी प्यारी मौसी। उठो बेटा उठो, देखा इनके संस्कार। चल पैर पर। दोबारा पढ़। हाथ में आते आते फिसल गई। अरे रे, उठो बेटा। ये दो बार पैर नहीं छुएगा तो उसको लगता ही नहीं कि पैर छुआ। मौसी कौन है जी आप? मौसी। ये हमारे करीब के रिश्तेदार है, देखा इनके संस्कार। जाओ बेटा तुम अंदर जाओ। थैंक यू मौसी। मैं भी अंदर जाऊँ? हाँ बेटा। आपके नजदीक के रिश्तेदार है क्या? लेके आती हूँ। अरे अतली, तू शुभ काम के लिए लेग पैर क्यों डाल रहा है? राइट पैर डाल, राइट राइट। हेलो, क्या है? तुमने जो कल गाना गाया बहुत बहुत अच्छा। मुझे हिंदी आती है फिर क्या, ये तो बहुत बात करेंगे। मेरा नाम सत्ती बाबू फ्रॉम अतली। मेरा नाम है नीरजा गोस्वामी। नीरू, नीरू मुझे तुमसे बहुत बात करनी है, पर इधर नहीं, ऊपर कोई नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, क्या समझे? बोलता हूँ। जीवन में पहली बार सच बोलना चाहता हूँ। अरे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या रे सत्ती?
तिली बाबू सतले बाबू बाबा ची 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 निर्जा गोस्वामी बाबा बाबू किधर है टेबल किधर है किधर दीदी अर्जेंट है दीदी अर्जेंट चला जा नीरू 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 क्या रे तुझे भी अभी मुतने जाना था क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक चांस मिला था वो भी हाथ से गया ए तू इधर क्या कर रहा है उधर जा चल अबे तू खड़ा क्यों है वो टिफिन लेके जा वहां पे तुम सब लोग यहीं रहोगे तो हमारा काम कैसे होगा पागल कहेंगे सब पुलिस आए सारे चोर लोग छुप जाओ पुलिस पुलिस मर गए आउट आउट चोर मिल गया मैंने पकड़ लिया आ जाओ अरे बच्चे सीटी तूने ही बचाई बेटा या आ चॉकलेट देता हूँ आ आजा आजा यस यस तू इंग्लिश जानता है मैं तेरी सीटी ले आता हूँ ये ले अरे भांजे मरवाएगा क्या अबे छोड़ उसको जानते जानते मैं तेरी सीटी नहीं खाता हूँ अरे चलना चिंता ऐसे ही गा रही हूँ मैं बुरा ना माना अच्छा लगा देख रहा था बेटा सत्य बाबू बच्चों की हगीस खत्म हो गई जरा एक दर्जन ले आना बाबू जा बेटा जा जा ना बेदुआ किधर मर गया रे मेरे मामा चीची तू इतना गिरा हुआ मैंने सोचा नहीं था तेरे ऊपर डिपेंड रहूंगा ना तो मेरी भी इज्जत जाएगी बकवास मत कर बात क्या बता बच्चे पसंद है तो उनके लिए लंगोटी क्यों खरीदता है ये प्यार वार से मेरे को क्या तेरे को नहीं मुझे जरूरत है क्या जरूरत है तू मेरी बात को नहीं मानता है ना मैं वॉकआउट कर रहा हूँ मैं चलता हूँ दैट्स ऑल ए चोर 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 पकड़ो पकड़ो उससे मेरा कोई संबंध नहीं है चोर 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 पकड़ो और चोर सिर्फ मेरा ही नाम क्यों ले रहे हैं पीछे वाला तेरा बाप है पकड़ो तेरे बाप की भी लगा दी ना फिटिंग अभी जी 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 सूटकेस इतना भारी और एक क्या हुआ मुझे क्यों बता रहे ले पकड़ भागो रिपोर्ट ओके
मैंने चेक कर लिया, सब ठीक है। फिर मेरा फीस? उसे बैग में। उसमें कुछ नहीं है? नहीं है। इसी में एडजस्ट कीजिए सर। अच्छा बेटा, देखो हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। अब मुझे छोड़ो, मेरा काम खत्म। अब मैं जा रहा हूँ, कोई बाहर मेरा वेट कर रहा है। ऐसे मत देख मेरे बाप। बेटी नीरजा, सर वो दरवाजा किस चीज का बना है? क्या दरवाजा, वो तो चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। दुआ एक ले लेता तो। सांबर ले लूं। सांबर सांबर इनको फिर सांबर आओ ना। 15 बार खा चुका खाले भी। तेरे प्यार के चक्कर में मैं कितनी बार खा। वो दरवाजा पहले के जमाने में बना हुआ है, आज के जमाने में हम नहीं बना सकते। देखिए कितना सांबर है आज भी। ला ला आज भी ला, कितना मजबूत है। चंदन मंगवाऊ क्या? नहीं नहीं, वो आप ही रखिए। सर सांबर डालो। सॉरी अतिली, मैं बहुत फील कर रही हूँ। मैं भी बहुत फील कर रहा हूँ जी। सांबर पूरा शरीर में क्यों नहीं डाला आपने? ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ मैं तो मदद कर रहा था। ये मदद है क्या? और नहीं तो क्या, दाग लगा हुआ मेरा शर्ट आप साफ कर रही हो तो सुकड़ी हुई कमर को ठीक करना मेरा फर्ज नहीं है क्या? जो उपकार करे उस पर उपकार करो, जो सहायता करे उस पर सहायता करो। हमारी गांव में नानी कहती थी। हाँ नानी को जाके बोलो नाना को कहानी सुनाए। मेरी बात सुनो, तुम्हारा साउथ तो मेरा नॉर्थ, तुम्हारा आंध्र प्रदेश तो मेरा मध्य प्रदेश। तुम्हारा आंध्र प्रदेश ने मेरे मध्य प्रदेश को टच किया तो देख लेना। अब एक बार आंख बंद करोगी तो पतली गली से निकल जाऊंगा। अरे इतना डर रहे हो, तुम मुझसे लव कैसे करोगे? मतलब तुमको भी मुझसे लव है क्या? वो नहीं होता तो मैं तुमसे अकेले में ऐसे मिलने क्यों आती थी और बाथरूम में क्यों बुलाती थी तुम्हें? नया हूँ ना इसलिए समझ में नहीं आया, एक बार और दबाऊंगा तो गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। हर नींद मुझे आई ना मेरी जानो, ये यकीन कर ले तू यादों में तू ही छाया। झुमझुमाया झुमझुमाया खुद पे तेरा रंग चढ़ाया। झुमझुमाया झुमझुमाया तुझ पे मेरा दिल ही आया। बाहों में अपनी ले लूं प्यार से तुझको जानू, तेरे जुल्फों को चूमू तुझे मैं लेके घूम। झुमझुमाया झुमझुमाया मुझ पे छाया तेरा साया। झुमझुमाया झुमझुमाया तुझ पे मेरा दिल है आया।
ना मेरा जिया। अंग अंग में मेरे तू ही बसा, भाता नहीं कोई मुझे तेरे सेवा। मेरी उम्मीदों का ही तू ही दिया, गीत गाता हूँ मैं तो हमेशा तेरा। कसमों को वादों को तू जो बुलाएगा तड़पेगा मेरा जिया। झुमझुमाया झुमझुमाया खुद पे तेरा रंग चढ़ाया। I can see nothing, nothing. I can hear nothing, nothing. I can feel nothing, nothing. I can go nowhere, nowhere. Jhum jhum maya, jhum jhum maya. Mujh pe chhaya, tera saaya. खुशियों के झूले में झूलेंगे हम, फिर आसमां को भी छू लेंगे हम। दिल की सदाओं ने ये आवाज दी, रंग लाएगी अपनी आशिकी। आओ हम बसाए दुनिया नई, ऐसे मिले ना बिछड़े फिर हम कभी। प्यार मोहब्बत से हर पल मुस्काएगी हम दोनों की जिंदगी। झुमझुमाया झुमझुमाया मुझ पे छाया तेरा साया। रात भर नींद मुझे आई ना मेरी जानू, ये यकीन कर ले तू यादों में तू ही छाया। झुमझुमाया झुमझुमाया खुद पे तेरा रंग चढ़ाया। झुमझुमाया झुमझुमाया खुद पे तेरा रंग चढ़ाया। क्या हुआ बताना। अरे जा यहाँ से, बताना मिर्जा मारूंगी यहाँ से जा। ए चोर, मेरे पीछे पीछे ऐसे घूमोगे तो कैसे काम करोगे और कब करोगे? सॉरी नीरू, मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं एक चोर हूं, लेकिन आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तुम बोलोगे तो मैं सब छोड़ दूंगा, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। सच में छोड़ दोगे ना? सब सब छोड़ दूंगा। मेरी कसम। सत्ती बाबू का मतलब सत्य पे टिके रहने वाला। सही में तुम्हारी कसम। बेटा सत्य बाबू कहाँ हो तुम? तुम्हें डिस्टर्ब करती रहती है। एक बार क्या है? एक बार क्या पिंच करना चाहता हूँ। पीट लो मेरे भाई। राठौर जिंदा है, न्यूज़पेपर में लिखा कि मर गया और हमें बेवकूफ बनाया। पीटला मेरे भाई आ जा। Oh,
पेपर में तूने ही लिखा रे कि विक्रम राठौर जिंदा है। मैंने सुना है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, फिर भी तूने उसे समझाया नहीं। क्या रे, तुम लोगों को पता नहीं कि खुशी क्या होती है? क्यों रे, तूने लिखा है कि विक्रम राठौर हमारे बीच जिंदा है। अच्छा, मैं सामने खड़ा हूं, इस बात का डर नहीं है तुझे, और वो जिंदा है इस बात की खुशी है तुम लोगों को, यही लिखा है ना तूने? सर, मैं आपके हाथ धोता हूँ, आपके पैर धोता हूँ सर। सर, मेरे तीन बच्चों को छोड़ दीजिए सर। अरे सर, बचा लो इसको। अरे सर, बचा लो सर। सर, सर मैं पैर धो रहा हूँ आपके। सर, उसको बचा लीजिए सर। अरे कोई इसको बचा। अरे, अरे कोई मेरी मदद करो। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ रहा हूँ। बचा लो। अरे मेरा घर जल रहा है। मेरी मदद करिए, मेरी बीवी बच्चे चल रहे हैं। ए, पैर धो मेरा। बाबूजी किसी भी हालत में उसे ढूंढा होगा। 50 आदमी को भेजो, मिलेगा कैसे नहीं? बाबा, तुम अपने आदमियों को ले जाओ, उसका पता मुझे चाहिए। जाओ। भांजे, तुझे तो लड़की मिल गई, अगर तू चोरी करना छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा? मैं कोई हेरा फेरी नहीं करूंगा, मैंने नीरू को वादा किया है। ओके, लेकिन एक बड़ी चोरी जरूर करूंगा। मैं चाहता हूँ जिससे मेरी पूरी की पूरी लाइफ सेटल हो जाए। ऐसा कोई बड़ा काम देख। पेटी संभाल कर नीचे उतारो बाबू। बदन के ऊपर इतना सोना है तो पेटी में कितना सोना होगा? करेक्ट मामा, मारेंगे तो यही पेटी मारेंगे। चल, पेटी में इतना वजन है, इसमें क्या है बहन जी? मेरे बदन की ज्वेलरी मिलाकर इसमें 7 हफ्ते की ज्वेलरी है। संभालो मामा। चिल्लर नहीं है बहन जी, पूरा रख लो ना। पतली, वर्ल्ड बैंक मिल गया भांजे। हाँ जी। क्या जी? पेटी इधर रख के टिकट लेने के लिए मुझे जाना था, लेकिन इधर तो मुझे सभी चोर लगते हैं। आप भी अच्छे और भले इंसान लगते हैं। वन मिनट। पता नहीं क्यों बहन जी, बचपन से ही हमें मदद करने की आदत हो गई है। जरा पेटी का ध्यान रखना, मैं टिकट लेके आती हूँ। आप बेफिक्र होके जाइए, ये सोचिए कि पेटी हमारी ही है। सोचा क्या? पेटी हमारी ही है, आप जाइए। थैंक यू भाई साहब। हरिओम हरी हरा, चोरों का घर भरा। बहन जी, राजस्थान की लक्ष्मी बहन जी। मामा, पूरा 7 हफ्ते की ज्वेलरी है, 1 दिन का सोना उसके बदन में है, और बचा हुआ सोना 2 तुझे 4 मुझे। उधर नहीं, ए हाथ उधर डालो, उधर का इधर। हम श्याने हैं भांजे, हमें अच्छी तरह से हिसाब किताब आता है, तुम धोखा नहीं कर सकते हो। 6 में से 50-50, 4 मुझे 2 तुझे। ये नहीं चलेगा मामा,
क्या नहीं चलेगा क्या? है क्या? ए, 50-50 चल डेढ़ ले ले। डेढ़ क्या? दे दूंगा बोला ना। ये मर्डर हो जाएगा तेरा। हां उनके वजह बात मत करा देख। हमेशा तेरी बात सुन रहा हूं। हां डाले। निकाल ले। तुझे गुस्सा मत दिला। ऐसे बहुत लोगों को देखा है। क्या क्या कर दूं क्या? अरे क्या क्या बता दूंगा? ए क्या कर देगा? ए मामा। ए हां डाले। मैं बता रहा हूं मामा तू हां डाले। बेटा तू आ जा मामा। ए क्या रे? ये पेटी किधर से हड़पा रे? किधर से हड़पा है सर? ये हमारा अपना है, आवर ओन। ए, ये पेटी और तुम्हारे फेस का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। क्या है इसमें? अरे अरे और क्या रहेगा? कपड़ा, पेन, ब्रश, निरोध, ले 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 ले, वो शेविंग किट है सर। हाँ हाँ, अच्छा खोल के दिखाओ। खोलो रे। अरे बाप रे, ये ऐसे टाइम पे क्यों आया? इसे कैसे भी करके भेजने का, नहीं तो बाद में भीख मांगना पड़ेगा। तू रुक भांजे। क्या रे, रुआब दिखाता है? पुलिस का रुआब दिखाता मेरे को? तू खाकी वर्दी पहन के आया, तू क्या सोचा मैं डर जाएगा तेरे से? निकाल, तू पुलिस वाला है? इसकी क्या गारंटी है? सर के ऊपर टोपी की तरह तेरा, हाथ की लाठी की तरह है? दिखा रे, दिखा। भांजे पेटी खोलो जल्दी से। ये क्या बोल रहा मामा? नीचे की लुंगी देखकर बात करो। उसकी नजर मेरे सॉलिड शरीर के ऊपर है। ओपन इट। बच्चों को किडनैप करने की गैंग है तुम्हारी? किडनैप? किडनैप से मेरा कोई संबंध नहीं है। पापा। हाँ, पापा। खुद की बच्ची को बेचने जा रहे हो? नहीं नहीं, हम तो ऐसे खेल खेल रहे थे चोर पुलिस का, है ना मामा? थू। खेल खेल रहे थे? तुम्हारा फेस देखकर तो मुझे नहीं लगा। वैसे तुम्हारा एड्रेस क्या है? जूहू गली पोस्ट ऑफिस के बाजू में। सत्ती बाबू बोलेगा तो कोई भी बता देगा। बच्ची को लेकर सीधा वहीं जाओ, मैं रोज चेक करने आऊंगा। अगर नहीं दिखी तो याद रखना। नहीं नहीं, गन की जरूरत क्या है सर, मैं अच्छे से देखभाल करूंगा। बाप है, बच्ची को बाप की तरह देख। वो राजस्थानी औरत कितनी बड़ी चोट दे गई, हाजी क्याजी करके धोखा दे गई, हाथ में क्या थमा गई, हम कितने बड़े बेवकूफ बन गए मामा। कौन बेवकूफ था थोड़ा याद कर ले। पापा अपना नया घर तो बहुत अच्छा है। एक बात पूछूं बताओगी? तुम्हारे पापा कौन है? आप हो। जाके बेडरूम और किचन को चेक कर जा। अच्छा पापा। अरे बाप रे, इतनी सी है, क्या नाटक कर रही है ये? मुझे पापा क्यों बोल रही है मामा? मुझे क्या पता, सभी खाते क्या मुझे बताकर खोलता है। फालतू जोक्स मत मार। कौन जोक मार रहा है? कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? आखिरी चोरी करेंगे ये बोल के तूने मेरे को फंसाया। मुझे बोल रहा है, इधर देख। एक दो तीन और थोड़ा ऊपर लगता तो मेरा क्या होता? सुनना मामा, मांगना पड़ता मेरे को लोगों के सामने अल्लाह के नाम पे। दे दे बाबा, अभी जा, नहीं तो पान खाते हुए एसपी आएगा और बोलेगा किधर है रे? अरे जा, उस लड़की को नाला दुला रे। चुप रह, वो गन दिखाएगा और तू चिल्लाएगा तो मेरी बेटी बन जाएगी। अभी मैं उसे बताता हूँ। देख मैं पागल हो गया हूँ, कंट्रोल करके बात कर रहा हूँ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तेरा बाप कौन है? आप कौन? चल चल यहां से। हम छुपा छुपी का खेल खेलते हैं, है? तू जाके छुप, जा 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 जा। जान बची। मामा
किधर जा रहे हो मामा? डायलॉग नहीं, तू लड़की छोड़ाया, तुझे कुछ नहीं होगा, वो पुलिस वाला आएगा, उसको मेरी लुंगी पसंद आ गई है, चौथी गोली चल गई ना, मैं जाता हूँ। मामा इतने दिन साथ में जिए, मुसीबत आए तो छोड़ के जा रहे हो? मिलके जीना आसान है लेकिन मरना नहीं। ए अंदर कोई है या नहीं? अरे वो आ गया। दरवाजा खोल, खुलता या तोड़ू? बच्ची 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 बच्ची। अबे तेरी तो किधर है रे? तेरा बाप आया, बाहर निकल। जी जी जी। चला जा बाहरा। मैं हूँ सर। है आया, बोला ना। आया सर। स्ट्रीट लाइट, कोर्ट बियर्स, पोस्ट बॉक्स, ये सब कहाँ से चुरा कर लाया रे? कोई भी चीज खरीदी भी नहीं लग रही है। हाँ तुम लोग क्या चोर है? नहीं सर, ये सब सेकंड हैंड माल है। चोर भी तो इंसान की तरह होते हैं सर। क्या बोला? कमर की हड्डी तोड़ दूंगा, नीचे से हाथ निकाल। ये सत्ती बाबू किधर रह रहे? सत्ती बाबू कौन है सर? मुझे मालूम है सत्ती बाबू कौन है। बता जल्दी किधर है? बच्ची किधर है? बच्ची 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 सत्ती बाबू के पास में। चल सत्ती बाबू किधर है बता, अगर उसके पास बच्ची नहीं हुई ना तो समझ जा। हाँ हो गया, गाड़ी आगे बढ़ाओ। रुको रुको रुको। ये खेल बहुत अच्छा है पापा। अरे इधर भी नहीं, कब से इधर उधर करके ऊपर नीचे घुमा रहा है, अगर भेजा घूम गया तो डाल दूंगा, समझ जा। बच्ची किधर है? बच्ची अंदर है सर। तो चल दिखा। जान बच गई, सो रही है। क्या है सर, ठक ठक क्यों कर रहे हैं? वेरी गुड, ऐसे ही ध्यान रखो। थैंक यू। अतिली अतिली कौन है पापा? ये अभी क्यों आई? हम दोनों चोर पुलिस खेलेंगे, किधर भी जाके छुप जाओ, मैं आके पकड़ूंगा तभी बाहर आना। हाय। सुन 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 सुन। कौन है अंदर बताओ ना? कौन सी हीरोइन का फोटो लगाया है तुमने अंदर? हे, तुम मुझे अंदर क्यों ले जा रहे हो? ये सब मुझे पता है, तो शादी से पहले नहीं चलेगा। मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो इतनी छोटी सी बात पर? तुम दो दिन से दिखे नहीं इसलिए तुमसे मिलने चली आई, इतना भी नहीं समझते तुम? और तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? माय डार्लिंग। जा छिप जा छिप जा छिप जा। अतिली चोर चोर चोर। ये चोर क्या? चोर चोर वो जो तुम सेंट इस्तेमाल करती हो, उसका नाम है चोर। सेंट की बात छोड़ो, कोई भी देखेगा तो क्या कहेगा? उठो। उठोगी तो कोई भी देख लेगा, इसलिए लेटी रहो। चोर कहके तुम्हें ये सब करने की आदत पड़ गई है। माँ की कसम, पहली बार ऐसे केस में फंसा हूँ कि उठो मत, प्लीज प्लीज। अच्छा चलेगा, बट ओनली थोड़ी देर। थोड़ी देर बस? चलो फिर बाहर जाएंगे। बाहर जाएंगे? वो होटल में जाए। होटल में? वो नहीं तो थिएटर बेटर रहेगा ना। छी, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अतिली दूर मत जाओ। नीरू हम दोनों के लिए अच्छा रहे। मजबूरी है क्या दो
बेकाबू है दिल मेरा, ले मुझको बाहों मिया। आँखों में है तू, दिल भर है मेरा तू, यादों में है तू, है प्यार मेरा तू। आँखों में है तू, दिल भर है मेरा तू, यादों में है तू, है प्यार मेरा तू। ऐसी मजबूरी है क्या दोनों में ये दूरी क्या, हाँ मेरी बाहों में तरह रहती हूँ तरह, बेकाबू है दिल मेरा, ले मुझको बाहों मिया। इस बच्ची के बारे में कुछ पता चलना चाहिए, नहीं तो नीरू को पता चलेगा तो मेरी शादी की वाट लग जाएगी। अपनी बकवास बंद कर और चिल्ला मत, चल मदद कर। We'll be right back.
तेरा ही, ये पूछे के भी बड़ा ही। ये मेरी नहीं, उसके बाप की है। जो मेरी तरह दिखता है, पहले इसके बाप को ढूंढ कर उसकी बच्ची से लौटाना है। किधर है, कैसे ढूंढेंगे? कहीं तो होगा ना। अपनी बेटी को यहाँ छोड़ा है, इसका मतलब वो मामूली आदमी नहीं है। मैं खुद को शाना समझता था, लेकिन वो तो मुझसे भी ज्यादा शाना निकला मामू। इस फोटो वाले आदमी को किधर देखा है क्या? क्या रे, नाटक कर रहा है? तेरे पीछे खड़ा है और मुझसे पूछ रहा है कहाँ है? पागल समझा? जाता है कि एक और आवाज निकालूं अभी? हाँ चल चल, जाता हूँ ना सर, जाता हूँ। अजीब आदमी है। पता नहीं क्यों भाग रहे, समझ में नहीं आ रहा। चलो अपना काम करते चलो। मिस्टर विक्रम, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। मैंने आपको कितनी बार बताया, फिर भी आप समझते नहीं। आपको सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है। पहले मीरा के हुए एक्सीडेंट में आपके ब्रेन में स्प्लिटर रह गया है। वो आपके लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। जो गुब्बारे की तरह फूक गया है, वो कहीं भी किसी भी समय फूट सकता है। करेक्ट बोलो तो आप अपने ब्रेन में एक अग्नि पर्वत लेकर घूम रहे हैं। प्लीज विक्रम, हॉस्पिटल को छोड़कर मत जाओ। आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो समझिए मौत से खेलने के बराबर है। खा, भूख नहीं है क्या? तो खाना। रोज तो तुम्हें खिलाते हो ना पापा। अब ये भी, मेरा हाथ कट के जल रहा है, तू खा। शनि की तरह छोड़ के गया है, पहले ही गुस्सा आ रहा है मुझे, और खाना खिलाने को कह रही है। कब छूटेगी पनौती मुझसे? पापा,
आप क्या है? आपका हाथ कट गया ना पापा। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ जाओ। मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। सुनती नहीं है। जिद्दी है। असल में तेरी गलती नहीं है, तेरे बाप की शक्ल मुझसे मिलती है। इसे तू खाना खा या ना खा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे अरे बाप रे। ए सत्ती बाबू से तेरा कोई संबंध नहीं है, तुझे निवाला बनाकर खिलाने का अपना कोई रिश्ता नहीं है क्या? ये बीच में क्या है? साइलेंस। ए चुप। जब तेरे को आपुन फेंकेगा तब चुप होएगा। अरे जब मार पड़ती है तब मानता है। ठीक से सोने भी नहीं देती। अब क्यों रो रही है? माँ का गाना नहीं आ रहा है पापा, दिल टूट गया है। थोड़ा सा बचा है बेटा। नहीं पापा अभी बस। अरे खा ले बेटा खा ले, लास्ट है ना, एक ही लड्डू है। आ आजा आजा। एक? आ गए आ गए आ गए। मुंह पोछ ले। पापा कोई आया है। तुमने मुझे धोखा दिया तो भी मैंने तुमसे प्यार किया। तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है तो भी मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें एक लड़की है, ये बात मुझसे क्यों छुपाई? वो बात नहीं है। मतलब तुम सच्चा प्यार नहीं करते हो? नीरू तुम इधर बैठो, मैं अभी आता हूँ। नीरू नीरू तुम गलत समझ रही हो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वो लड़की इतना स्पष्ट बोल रही है कि तुम उसके पापा हो, फिर हम कैसे मान ले?
उसके पापा बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं, इसलिए बच्ची कंफ्यूज हो रही है। ना चोरी करूंगा ना धोखा दूंगा, वादा किया था इससे, लेकिन आज भी तो उसी काम में लगा हुआ। सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। नीरू तुम तो मुझे गलत मत समझो, बच्चे से मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम्हारी कसम। विश्वास करो नीरू, तेरा इस बच्ची से अगर कोई संबंध नहीं है तो शाम को 5 बजे देवगढ़ जाने वाली बस है, हम इंतजार करेंगे, तू अकेले आना। मेरे पीछे पड़े हो, बेटी नेहा, नेहा, मरने से
से नहीं डरने वाला, अपनी मूछों पर ताव देने वाला। आज इसकी आंखों में डर देखो। बोलना इतना आसान नहीं, मौत जब सामने आती है अच्छे अच्छे की फट जाती है। अगर तुम्हें दम होता तो तुम भाग करते दूर नहीं आते। डरपोक कहीं का। मरने से डरने के लिए मैं कोई गली में घूमने वाला मामूली गुंडा नहीं। राठौर, विक्रम सिंह राठौर, डर मुझे नहीं, मौत को है। अकेले में मुझे बुलाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए 6 महीने से पागल कुत्ते की तरह पीछे पीछे घूम रहे। मुझे ले जाने से पहले मैं तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा यहाँ पर, समझे तुम लोग? राउड से घुमाने वाली मूछों की कसम, जान से ज्यादा प्यार करने वाली बेटी की कसम, तुम में से एक भी 1 मिनट भी मुझसे लड़ेगा तो मैं अपनी मूछें निकलवा दूंगा। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो वो सामने आकर दिखाए। अरे Ah!
महंती सर। यस सर। कोई बचा तो नहीं ना? नो सर। डॉक्टर बच्ची। बच्ची अब खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, डोंट वरी। ओके डॉक्टर। डॉक्टर सर कैसे? वी विल डू इट माय लेवल बेस्ट। तुम पूछो या नहीं, तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का समाधान हमें करना है। वो कौन है, मैं कौन हूं, हम सब ने मिलकर तुम्हारे साथ ये खेल क्यों खेला है, मैं बताऊंगा भी तो तुमको विश्वास नहीं होगा। एक इंसान को 100 साल याद रखने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक दिन। उसने जो जीत हासिल की वो उसे 100 साल जिंदा रखेगी। चंबल गांव के लोगों के दिल में वो हमेशा जिंदा रहेगा। एक पावर, आई मीन विक्रम सिंह राठौर, IPS एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। 6 महीने से चंबल गांव के लोग जैसे के मर मर के जी रहे हैं। पुलिस अपना फर्ज भूलकर उस वर्दी को सिर्फ अपना बदन छुपाने के लिए यूज कर रही है। मैं भी उस एरिया का CI हूं। किधर जा रहा है? बाबूजी। बाबूजी को मिलना है। तेरे को पता नहीं पुलिस को अंदर नहीं जाने का रूल्स मालूम नहीं? टोपी उतार। समस्त पापों को नाश करने वाली देवी को नतमस्तक, सर्व कादि निवारण शुभम। देख उसे तू अच्छी तरह बता दे, रोज रोज की मचमच ठीक नहीं है। नमस्ते। राम राम बाबूजी। बोल। मेरा नाम मीन पहाड़ CI। मेरा नाम महंती। क्या प्रॉब्लम है बोल? कल से मेरी पत्नी नहीं दिख रही है। अच्छा, नाम क्या है? परमिला। एज? 30 है साहब। 30? बहुत खतरनाक एज है, घर में टिकने नहीं देती। पापा पापा, मम्मी पापा, मम्मी वो रहे पापा। अरे बोल बे, किधर गई मालूम है तुझे? नहीं साहब। ठीक है, किसी पर शक तो नहीं है ना? नहीं साहब। अच्छा, ढूंढ के भेज दूंगा उसको। दो दिन में आ जाएगी वो। बच्चे भी 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। तेरे को बोला ना ढूंढ के भेज दूंगा, बच्चे को अच्छे से देख, समझा? जा जा जा। राम राम बाबूजी। अरे तेरे को बोला ना, जा जा। ए रघु इधर आ। हाँ जी जी। मेरा राज्य राम राज्य है। इधर मर्डर नहीं होता, रेप नहीं होता, दादागिरी नहीं होती। कोई मेरी बात नहीं माने तो उसका मर्डर करने का, कोई औरत नहीं माने तो उसका रेप कर देने का, कोई हफ्ता नहीं देगा तो दादागिरी करने का।
ऐसा मौका ही नहीं आता, इसीलिए ये एरिया पूरा का पूरा शांत है। क्या बताओ जीजू, तुम राम हो, मैं तुम्हारा रामदास हूँ। मेरी इच्छा है मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊँ। अबे क्या माल है रे, स्लीपर कोच। अरे उसको छोड़, ये देख सामने से आ रहे, बिल्कुल ऐसी बोगी। ये क्या है मेरी जान? आंटी काली हो या वेटिंग लिस्ट है। ए पैसे उन्हें दे दो बेटा। क्या रे, पैसा मांगा तो गुस्सा आता है क्या? क्यों आएगा, नहीं देंगे तो क्या होगा उसे पता नहीं क्या। इन भूतों को कब मौत आएगी क्या पता। टैक्सी टैक्सी सर, टैक्सी चाहिए क्या सर? किधर जाना है? भालिम चौक। 200 रुपए। नजदीक तो है ना भैया? दूर से मतलब नहीं है बाबूजी, गैंग जितना बोलेगा उतना। नहीं चाहिए। क्या रे, खरीदी करने के बाद गाड़ी नहीं चाहिए तो भी पैसा देना ही पड़ेगा, पैसा निकाल बे। सर इनसे लफड़ा मत कीजिए, पैसा दे दीजिए। क्या रे, अकेली सिर्फ बच्ची को लाया है, इसकी माँ किधर है? नहीं आई, भाग गई। ए, पूरी बात तो बता के जा। इसके साथ गई, हम लोग नहीं थे क्या? मैं अभी आता हूँ, तू यहाँ बैठ के गाना सुन। ठीक है पापा। क्या रे, वापस क्यों आया? अर्जेंट सर, इमीडिएटली आ जाऊंगा सर। चल उठ के खड़ा हो, चल चल, पहन पहन कपड़ा, बोला ना कपड़ा पहन, कह रहा हूं कपड़ा पहन पहन, चल पैसा निकाल, इसमें से एक भी पैसा तेरा नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। आप कौन है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जिनका पैसा उसे दे दो। ठीक है भैया। क्या रे, समझ में आया? दोबारा दिखा तो काट दूंगा। गुड मॉर्निंग सर, राजीव पटेल नगर SI, वेलकम टू देवगढ़। सेम हियर। ये क्या सर, आप पूरा काम खुद ही कर रहे हैं? अगर बता देते तो हम सब आ जाते ना। अब तो आदत पड़ गई है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम मानती। हेलो मानती। सर सॉरी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रेन लेट आएंगी करके बोला इसलिए मैं लेट हो गया। चलेगा, बैठो थोड़ा एडजस्ट कर लो। सर
बच्ची को दूध पिला दूं क्या? मैं पिला दूंगा। वो क्या सर, बच्ची को ही लाए, मैडम नहीं आई। शी इज नो मोर। सॉरी सर। इट्स ओके। पापा स्कूल का टाइम हो गया, बहन को बाल बनाना नहीं आ रहा, आओ ना पापा। तुम इधर क्यों? महंति, तुम्हारी पत्नी? सॉरी, बिना माँ के बच्चों के साथ कैसा होता है मुझे मालूम है, सब हमें देखना पड़ेगा, जाओ। मेरी माँ मरी नहीं है, वो जिंदा है। बाबूजी की कब से मैं हो तुम? तेरा बाप। अरे बाप रे, यूजू मर गए। कौन है रे तू? एक फोन करूंगा तो एक मिनट में तेरी ट्रांसफर हो जाएगी, उससे पहले तो यहां से चला जा। पुलिस का ट्रांसफर होगा तो पुलिस स्टेशन के अंदर, पोस्ट ऑफिस में नहीं। राठौर, ट्रांसफर ऑर्डर टाइप होने के पहले मैं तुम्हारा साम्राज्य खत्म कर दूंगा। बंद करो। भाभी तुम जाके गाड़ी में बैठो। पुलिस वाले की बीवी पे हाथ डालने का क्या अंजाम होता है मैं तुझे दिखाता हूं। जल्दी गेट खोलो, मेरा बेटा मर जाएगा, खोलो। मैं आ गया हूं ना, अभी आपको कुछ नहीं होने दूंगा, नहीं तो यह मिनिस्टर सीट बेकार है। माफ कीजिए, मैंने डीजीपी को भी आने को लेकर दिया। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना बाबूजी? अगर आपने टिटला को बुला लिया तो वो आकर पूरे शहर को जला देगा, तो फिर समझो मेरी कुर्सी दड़ हिल जाएगी। बाबूजी मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके बेटे को छुड़ा लाऊंगा। आ गए। नमस्ते सर। तुम्हें कुछ खबर है कि नहीं? यहाँ इतना हंगामा हो गया और तुम हो कि घर पर बैठे लाठी घुमा रहे हो। लाठी को काम में लाए हुए बहुत दिन हो गए सर। गांव में कुछ भी होगा तो देख के भी अनदेखा करना, ऐसा आपका कहना है, इसलिए तो हाथ पे हाथ धरकर बैठा। बात मत करो, शहर अलग बाबूजी अलग,
बाबूजी मतलब इस शहर का राजा, उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया? किसने किया, कौन है, बताते क्यों नहीं? नया आया एसीपी है सर, विक्रम राठौर। बात मत करो, वैसे आदमी को भला यहाँ तुमने क्यों बुलवाया, बताते क्यों नहीं? मैं क्यों बुलाऊंगा सर, रेगुलर ट्रांसफर पे आया। बात मत करो, ट्रांसफर क्या, तुम्हें बगैर बताया किया होगा, उसका मतलब तुम ऑफिस में सोते रहते हो क्या? इतना बड़ा हंगामा हो गया, अब मैं क्या करूं, कुछ तो बोलो। मैं इंक्वायरी करूंगा। बहाने मत बनाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम सारे के सारे पुलिस वाले आजकल बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहते हो। देखो तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, तुम्हें दोपहर तक का टाइम दे रहा हूँ, बाबूजी के बेटे को रिहा करा कर लाओ। ऑफिसर को लो बाबूजी का कर पैर पकड़े, समझे? बात करूंगा सर, चलता हूँ। बस बस अभी से काम पे लग जाओ। भेजा खा गया मेरा, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, बदन पर यूनिफॉर्म पहनते अपने आप को हीरो समझते हैं, हीरो समझते हैं। होम मिनिस्टर के मुंह में जो आया बग गया, जब खुद के सर पे पड़ेगा ना तब पता चलेगा। फाइल किधर है सर? ये रही। इंप्रेसिव टॉपिक है इसका। किधर है वो? फोन करूं सर? हम खुद चलेंगे। विक्रम सिंह राठौर आईपीएस फर्स्ट पोस्टिंग आंध्र प्रदेश। 4 साल की सर्विस में 4 बार प्रमोशन हुआ, 10 जगह ट्रांसफर हुए, लेकिन कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं किया। रिकॉर्ड अच्छा है, मेडल जीतना ही बड़ी बात नहीं है। ड्यूटी करते हुए डर खौफ होना चाहिए, इस बात का पता नहीं है तुम्हें? डर बोलोगे तो क्या, ये कब आता है मालूम है तुम्हें? आधी रात में जब नींद में रहोगे तब दरवाजा खटखटाने की आवाज आएगी, दरवाजा खोल के देखोगे तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा, अपने आप को बचाने के लिए सर्विस रिवॉल्वर भी नहीं होगी तुम्हारे पास। जब चारों तरफ से गुंडे घेर लेंगे तुम्हें, तब उन्हीं की आवाज सुनाई देगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि डर कैसा होता है। स्कूल से अगर लड़की 4 बजे तक घर न पहुंची हो, सिक्योरिटी गार्ड अगर ये कहे कि स्कूल से वो जा चुकी है, 6 बज चुका है, मगर 10 बजे रात को एक फोन आता है, फोन उठाते ही क्या घटना सुननी पड़ती है उसका डर मालूम है तुम्हें? राठौर, डर बहुत कीमती चीज है, उसको कमजोर मत समझो तुम। One should have healthy respect towards fear. डर नहीं तो जीना मुश्किल है। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता सर, आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? कभी कभी नहीं, दिन में हर पल हर मिनट डर रहता है सर। 4 साल पहले जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी तो मुझे कसम खिलाई गई थी कि तुम देश के लिए अपने प्राण भी अर्पण कर दोगे। सर रही बात दस्तक की या फोन रिंग की, आए या ना आए कोई बात नहीं, देखेंगे। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा सर, लेकिन मौत तो एक ना दिन जरूर आएगी सर। आंखों में बसा हुआ सपना और अपने आप से किया हुआ वादा, मुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है सर, बस इस वर्दी पर दाग न लगे इस बात से डरता हूं। मैं ड्यूटी का निष्ठापूर्वक निर्वाह करूंगा सर, यह मेरा आपसे वादा है। आई विल बी ऑन ड्यूटी सर। मैं एक बात और कहना चाहता हूं सर, कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। एसीपी राठौर का आपसे वादा है सर। Thank you.
माँ मुझे बोले बिना ही गाँव चली गई ना। हाँ बेटा। आप भी गाँव जाओगे? नहीं बेटा। जाओगे तो मुझे भी लेके जाना, मैं अकेली नहीं रहूंगी। मुन्ना नाम का ये लड़का पागल होने की वजह से इससे जो गुनाह हुआ है इसने जानबूझकर नहीं किया, इसलिए इसे बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। सही सबूत न मिलने के कारण अदालत पुलिस को यह हुक्म सुनाती है कि मुन्ना को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया जाए। पापा, जज अंकल ने मूछ वाले पुलिस को डांटा, इसलिए डर के मारे पुलिस अपने जीप में मुझे यहां तक छोड़ने आई। बाऊ जी के बेटे की वजह से तुम्हें अपमान सहना पड़ा, लेकिन आज मेरा बेटा रिहा हो गया, इसीलिए आज मैं पार्टी दे रहा हूं। तुम्हें पार्टी में आना होगा, आना होगा। होम मिनिस्टर भी आने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। फिर मैं अपने बेटे से तुम्हारा किस तरह अपमान कराऊंगा देख लेना तुम। जाजा। पापा, आज की पार्टी में चमेली चाहिए। आएगी बेटे। चमेली। मेरी जवानी रंगी चमेली, आई हूँ लेके मैं तेरे लिए रामा, बढ़के थाम ले चैन रे गारे मेरे मन को।
मुझ पे झूठ छम्मा रे वस्तवा 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 वक्त है तू दे दवा मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तुम सब लोग जाओ। तुम आओगी क्या? कैश है क्या? फ्री में नहीं। अच्छा, अपना थोबड़ा देख। अंकल 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 अंकल, मैं उनके साथ एक खेल खेलूंगा। कौन सा खेल? मैं उसमें से एक को भगाऊंगा, वो भागेगा और मैं उसे पकड़ लिया तो अपने कपड़े उतारेगा। पागल है बेचारा, थोड़ा खेलना चाहता है, खेलने दो इसे। ओ कमिश्नर, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो भाई, पुलिस तो जनता की फ्रेंड होती है, उसके साथ खेलोगे कूदोगे तभी तो जनता को हम पर यकीन होगा ना। उसे अंदर रख दो, रख दो। शुरू करो बेटा। नो नो नो। कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारो, कपड़े उतारो। सर, सर प्लीज। अरे वे पुलिस का बेल्ट मैं अपने गले में डालूंगा। पैंट उतारो, पैंट उतारो। अभी वो मुच्छी वाला। कमीना। मेरा बेटा। हाँ। इंस्पेक्टर सर, ये पागल तो था ही, इसने टेरिस से कूद कर आत्महत्या कर ली। सबूत के तौर पर होम मिनिस्टर के साइन ले लो और कम पड़े तो इसके बाप के भी साइन ले लो। ओके सर। देख लिया ना, पुलिस ही नहीं उसके बदन की यूनिफॉर्म ने भी अपना काम कर दिया।
भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करे। जीते रहो बेटा, सुखी रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा। जय हिंद। जय हिंद। हेलो सर, मेरा नाम प्रकाश मेरा, जर्नलिस्ट। नमस्ते। ये होली के नाम वाला राक्षस है, भगवान ने इसे मारा इसलिए हम लोग होली मनाते हैं। लेकिन असली राक्षस को तो आपने मारा है, इसलिए हम पहली बार होली मना रहे हैं। आप हमारे लिए भगवान हैं। भरोसा रखो सर, इस बार जनता की खुशी देखो, बचे हुए दो लोगों को ठिकाने लगा देंगे तो खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। इसी आग से उनकी भी चिता जलाएंगे। सर, जनता में टिटला का कोई आदमी है, मुझे डाउट है। ऑफिसर्स को अलर्ट रहने के लिए बोलो। सर, स्कॉटरी कमिंग, स्कॉटरी कमिंग, मानती है। से वार किया, अगर तू मर्द होता तो सामने से वार करता। अगर मौत भी मेरे सामने होगी तो वतन के लिए मर मिटने पर मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी, मेरा हाथ मेरे मुंह पे ताव देते हुए होना चाहिए।
विक्रम राठौर, बड़ा पुलिस ऑफिसर। सर के ऊपर टोपी, हाथ में पापर, मूंछों पर ताव देने वाला तुम्हारा भगवान भगवान आज भजन कर रहा है। देखो देखो तुम लोगों का भगवान। सिर पे की गोली से मर गया भगवान। तू, ये क्या तुम्हारी जिंदगी बदलेगा? सुनो, इस गांव का नसीब लिखने वाला मेरा भाई भाऊजी, अगर भगवान भी उतर आएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, उसका भी यही हाल होगा। सुनो तुम लोग, तुम्हारा भगवान अमृत पीता है और टिटलाखोर पीता है। मर गया कुत्ता। राजपूत की चिता अकेले कैसे जलती? इसीलिए मेरे बेटे की चिता बुझने से पहले तेरी बलि दे दी कुत्ते। अब कोई भी पुलिस ऑफिसर आएगा तो उसे इसकी समाधि दिखा देना, उसके बाद उसे ड्यूटी ज्वाइन करने को बोलना। समझ गए मेरी बात? सर जिंदा है, जिंदा है। देखो सब चुपचाप रहो, किसी भी तरह ये बात बाहर नहीं फैलनी चाहिए। ये आपके ही नहीं, हमारे भी भगवान है। बच्चों की कसम, हम किसी को नहीं बताएंगे। सर जिंदा है ये हमें मालूम पड़ा, लेकिन बाबूजी को यकीन दिलाने के लिए हमने कफन रख दिया था, और सर का इलाज करवाने के लिए हम उन्हें हैदराबाद ले आए। यहाँ आकर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि सर का बचना बहुत मुश्किल है, कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसे में बच्ची को बचाना मुश्किल था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हें जब पहली बार देखा तो साहब को आकर बताया, फिर साहब ने पूरी इंक्वायरी की। हमें मालूम है कि तुम्हें बच्ची पसंद नहीं है, तो हमने एक नाटक रचा और बच्ची को तुम्हारे पास पहुंचा दिया। उसके बाद क्या हुआ तुम्हें तो पता है, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। फिर भी हमने तुम्हें काफी तकलीफ दी है, मगर बच्ची को बचाने का हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुम्हें कैसे सॉरी बोलूं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भगवान से उनके लिए प्रार्थना करूंगा। डॉक्टर आई एम सॉरी, आप अभी लोग मिल सकते हैं। भैया सती बाबू, मेरी बच्ची। बच्ची को अनाथ मत समझो सर, सती बाबू ठीक से देखभाल कर रहे हैं। बच्ची के बारे में आप बेफिक्र रहिए, अब मेरी जिम्मेदारी है। सर सर क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, अंकल को नींद नहीं आ रही है ना, इसलिए हम सब इधर खड़े हैं। ये गाना सुनेंगे तो इनको नींद आ जाएगी पापा। हम जा रहे हैं, बच्ची का ख्याल रखना। Thank you.
पुलिस ही नहीं, उसका यूनिफॉर्म भी ड्यूटी करता है। मारो कुत्ते को, तब तक मारो जब तक ये बता नहीं दे। क्यों रे, चुपचाप बता दे कि कहाँ छुपाया उसे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जीजू, वो मर गया ऐसा ये लोग बता रहे हैं, फिर भी आप कहाँ है, कहाँ ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उसको जिधर भी दफन किया है वहां से उसकी लाश निकालेंगे तो वो फिर से तुम्हें मारने के लिए आएगा। फिर क्यों उसके पीछे पड़े हो? करना बंद करेगा कि नहीं? मतलब वो अपने जैसा नहीं है, जो बोलता है वो करता है, जिंदा रहेगा तो बिना बुलाए चलाएगा। अगर वो मर गया तब भी वो जो सोचा है करके दिखाएगा। मैं भी वही चाहता हूँ, मेरे हाथों उसे फिर मरने के लिए यहाँ आना होगा। आएगा आएगा, ऐसा मत बोलो जीजू, ऊपर तथास्तु भगवान रहते हैं, जल्दी में तथास्तु बोल देंगे तो फिर सोचो। ए, क्या बात है, बहुत मूड में लग रहे हो, सीटी मारा इसलिए 50 रुपए फाइन भरो। ए, दू आबलू, मैंने जो पैसा बोला ना वो भरो, नहीं भरेगा तो बॉडी पटरी के ऊपर जाएगी। फॉर्म नहीं है क्या? ए, जोक मार रहा है, ए इसे पकड़ो, मारो। नहीं मारेगा, विक्रम राठौर का असिस्टेंट है। कौन सा विक्रम राठौर? वो तो कब का मर गया, इसलिए तो हम फिर से शुरू हो गए। अच्छा, जरा उधर देख। क्या रे, कैसा? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इधर से स्टार्ट करो, उधर से मारोगे तो मैं टेंशन में मर जाऊंगा सर, इधर से शुरू करो। ये नया नया रूल्स क्या बना रहा है साहब, आप इधर से स्टार्ट करो ना। अभी नहीं रे, अभी मुझे गांव में बहुत काम है, ऐसा करो फुर्सत मिलते ही तुमसे मिलेंगे। ओके सर, आपके लौटने तक हम यही रहेंगे। वो मर तो गया है, अब और कितनी बार मरेगा वो? अगर वो सच में भी मर गया है तो तुम्हारी आवाज सुनकर जिंदा हो जाएगा। अरे अतली, इसे ससुराल समझ के तू अपना दायां पैर डाल रहा है, यहाँ कमीने लोग रहते हैं, एक ही फाइट में खत्म हो जाना चाहिए। डाल दो बायां पैर। विक्रम राठौर, ये क्या है रे? तथास्तु भगवान ऊपर आ रहे बाबूजी। क्या रे बाबूजी, बहुत टेंशन हो गया क्या? मरने का ड्रामा करके डरपोक की तरह भाग गया, एक पंच लगा तो 6 महीना लगा ठीक होने में। मैं क्यों मरूंगा रे, मेरे मरने की खबर सुनकर नेता लोग बैठ कर रो रहे थे तो मैंने सोचा इसमें मैं क्यों पत्थर डालूं, इसलिए मैंने गैप दिया। ए, तेरे बेटे की मौत से हमारा शांति आ गई है शहर में, तू और इस शहर के बाहर तेरा भाई दोनों को अगर मार दिया इस शहर का वास्तु ठीक हो जाएगा। बाऊ जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाऊ जी इस शहर का इकलौता गुंडा है। करेक्ट, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, शहर में एक ही गुंडा रहना चाहिए, वो भी पुलिस वाला। अरे बाऊ जी, ये सब बात क्यों, अपने कितने भी गुंडे बुला ले, प्रेस को बुला लो, कल ठीक 9 बजे जो कुछ भी तुमने गोदाम में छिपा कर रखा है मैं उसे जनता में बांट दूंगा, तू देखता रह जाएगा। तू जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, तेरी हिस्ट्री तो खत्म हो गई बाबूजी, अब तेरी पूरी जिंदगी। ये झिंतक झिंतक क्या होता है? झिंतक मतलब कमर, ताता मतलब लाठी, चीता मतलब मार, आपको मार मार के आपका कीमा बना देगा जीजू। बाप रे, बेटी डीजा, वो सत्ती बाबू झूठ बोल रहा है, उसका प्यार भी झूठा है, वो बच्ची अगर उसकी नहीं होती तो वो कब का आ जाता। मेरा काम मानो, तुम्हारे पापा जो रिश्ता लाए हैं उसके लिए तुम हाँ कह दो,
नहीं तो वो घर नहीं आएंगे। तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें शादी के लिए हाँ कह दो बेटी। मुझे रिश्ता पसंद नहीं है माँ, सत्ती बाबू को छोड़कर मैंने बड़ी गलती की है, अब मैं क्या करूँ माँ? सत्ती बाबू नहीं, तुम विक्रम राठौड़ हो। हम ये नाटक कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, अच्छे से मैनेज करना, ठीक है? फॉलो मी। सत्ती बाबू, मेरे मम्मी पापा आपसे कुछ भी कह दिया तो इसका मतलब आप मुझे छोड़ दोगे क्या? मैं किस तरह से आपका इंतजार कर रही थी। अरे अरे अरे, कौन हो तुम? हैं, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो सत्ती बाबू? सत्ती बाबू आते ले। आई एम नॉट सत्ती बाबू, एसीपी राठौर। एसपी? सत्ती बाबू मेरी तरह दिखता है, अपनी बेटी को एक सप्ताह उसके पास रख दिया, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई। यू आर शिया नीरजा भूस्वामी समथिंग समथिंग, या सेम सेम, योर बैड लक, एक अच्छे इंसान को अपने से दूर कर दिया। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुमसे प्यार करने के बाद मैं तुम्हारी प्यार में दीवानी हो गई हूँ, अब झटका दिखाती हूँ देखना। एक्चुअली ऐसे ही मुझसे बहुत सारी लड़कियां कंफ्यूज। एक्सपोज कर रही है, शर्म नहीं आती? कमर दिखाकर शो कर रही है, अंदर डाल दूंगा। मतलब तुम सचमुच में सत्ती बाबू नहीं हो? लाठी कमर में मारा फिर भी तुम्हारा डाउट नहीं गया क्या? फिर सत्ती बाबू किधर है? हिमालय। क्यों? औरतों को जिनसे नफरत हो जाती है वो उधर ही जाते हैं, ताकि औरतों की छाया भी उन पर ना पड़ने पाए। अब नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा, आज पूर्णिमा है, आज की रात ठीक 12 बजे बदन पे सफेद रंग की साड़ी पहनकर टेरेस के ऊपर खड़ी हो जाओ। हिमालय किधर है? नॉर्थ। अतिली, अतिली, अतिली कहकर प्यार से बुलाओ, वो सामने होगा। आधी रात को टेरेस पे आऊंगा कहकर मुझे वो पुलिस वाला बेवकूफ तो नहीं बनाया? अगर ये सच हुआ तो मैं मिस हो जाऊंगी। ट्राई कर लेती हूँ। क्यों, नींद नहीं आ रही है क्या बेटा? तुम्हें नींद आएगी तो मुझे भी आ जाएगी चाचा। दूध पियोगी? पियोगी? ऐसा दूध में गोली मिला के पिलाऊंगा कि पूरा डिपार्टमेंट भी तुमको नहीं संभाल पाएगा। पियो पियो। तू कितना समझदार है अबलू। मैंने तो सोचा ही नहीं था। ये काम कितना आसान हो गया। क्या है? चल चल। किधर? लॉकअप के अंदर। लॉकअप के अंदर। अरे ये क्या, कितनी सी गोली ने इतना बड़ा गड़बड़ कर दिया। देखो बेटी, लॉकअप में डालने से पहले हथकड़ी लगानी पड़ती है। इधर ही रुको, मैं हथकड़ी लाती हूँ। अरे बाप रे,
किसी तरह से भागा है, पीछे तो नहीं आ रही है। उसके आने से पहले पूरा घर साफ कर देते, काम शुरू करने से पहले धनलक्ष्मी मुझे दिखनी चाहिए। अतिली, अतिली, अतिली! नीरजा, नीरजा! सत्ती बाबू, क्या मुझसे रूठकर हिमालय चले गए थे? हाँ, तुम ना बुलाती तो मैं तीर्थ पी लेता और हमारा लव खत्म हो जाता। चोर मिल गया। अतिली, ये कौन है? चोर, चोर से! ये क्या कर रही हो तुम? लाठी से मारूंगी, इसको जेल में डालूंगी। दोनों साथ में जेल में रहे, पैर तोड़ डालूंगी। उतार नीचे, ये मेरा चोर है, मैं ले जाऊंगी। सत्ती बाबू बोलो, इसे पैर निकाले। मैं नहीं निकालूंगी, तुझे डालना तो तू भी डाल। ऐसे नहीं, मैं नहीं निकालूंगी, अभी बताती हूँ। जा। अरे तुम दोनों के झगड़े में मेरी कमर टूट जा रही है, समझे तुम लोग? इधर एक पैर, इधर एक पैर, बीच में अतिली, खेलो डबा डब 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 डब, खेलो। डम 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 आऊंगा शाम ढले, डम्मा डम्मा डम डम, कुछ भी हो चाहे भले, डम्मा डम्मा डम डम, वादा ये तुझसे मेरा हो गया, हो गया। डम्मा रे डम्मा रे डम्मा 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 रे, असली सत्य बाबू, सच्ची रे सत्य बाबू, असली सत्य बाबू, देखो सच्ची रे सत्य बाबू। रास्ता तकूंगी तेरा, डम्मा डम्मा डम डम, तेरी रहूंगी सदा, डम्मा डम्मा डम डम, हमने ये दिल में ठान लिया, ठान लिया, डम्मा रे डम्मा रे डम्मा 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 रे, असली सत्य बाबू, सच्ची रे सत्य बाबू, असली सत्य बाबू, देखो सच्ची रे सत्य बाबू। डम्मा 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 डम डम, डम्मा रे डम्मा 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 डम डम, आऊंगा शाम ढले, डम्मा डम्मा डम डम। स्वामी हम आए दीवा, स्वामी हम आए दीवा, स्वामी हम आए दीवा, स्वामी हम आए दीवा, करना न दूर छाया सिर से हमारे रामा, करना न दूर छाया सिर से हमारे रामा, चरणों में आए तेरी रखना लीलाज रामा, स्वामी हम आए दीवा, स्वामी हम आए दीवा। सा 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 साथ दे, हा
हाथ दे डोल 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 साथ तू आके 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 मेरे रूबरू तू ही सुकून मेरा तू ही करार मेरा कैसे बताऊं मैं तुझ पर ही दिल ये हारा डम्मा रे डम्मा 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 डम डम डम्मा रे डम्मा 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 डम डम डम्मा डम्मा डम डम तेरी रहूंगी सदा डम्मा डम्मा डम डम हमने ये दिल में ठान लिया ठान लिया डम्मा रे डम्मा रे डम्मा 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 रे इस बच्ची को हमने इनके पास भेजा था इस बच्ची की वजह से तुम दोनों अलग हो गए लेकिन हमारा इरादा तुम्हें अलग करने का नहीं था अब तुम इसे सच समझो या झूठ सॉरी इट्स ओके अब से इस बच्ची की देखभाल मैं करूंगी सर 9 बजे विक्रम राठौर आपका गोदाम जलाने वाला है अब आप क्या करेंगे सर पेशाब पिएगा नहीं तो रस्सी बांध के मर जाएगा मैं सही बोला ना नहीं क्या बाऊ जी क्या करेगा ये तुम लोग देखोगे सारी की सारी जनता देखेगी 9:09 ए 9:30 कहां है आपके एएसपी साहब विक्रम सिंह राठौर 11:30 हो गया कहां है रे वो पुलिस वाला लगता है मेरे आदमी को देख के डर गया और लॉकअप में छिप के बैठ गया वो बैठने वाला में से नहीं है बड़ा चिंताता है चुप फोन हेलो ए बाऊजी किधर है तुम लोग का गोडाउन सुबह से अड्डे ढूंढ कर मैं थक गया हूँ वैसे अब रास्ते में जब आ रहा था तो बाऊजी फैक्ट्री नाम का बोर्ड दिखा तो मैंने उसको उड़ा दिया यार ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं ज्यादा सोचने का नहीं एड्रेस बता कहाँ आना है अरे कमीना माँ का दूध पिया तो वहीं पे रहना मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ अच्छा तो ठीक है मैं इधर ही खड़ा हूँ तू आ जा अरे गाड़ी निकालो रे सर 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 अब आप कहाँ जा रहे हैं अब आप क्या एक्शन लेने वाले हैं उसने इतना बड़ा झटका दिया कि युद्ध में जाने से पहले धोती उठाने की आदत है जीजू की किसी का फोन आया तो वो चले गए आ गया छी अब आ अपनी पूरी गैंग को लेकर बाऊजी पब्लिक के सामने धोती उतरवा कर लाते मारूंगा आपने चैलेंज किया था इसलिए भाग गया इस विलन से सभी लोग डरते थे इतने दिन बाऊजी सबको सता रहा था इसलिए उसका पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ लूट लो क्या लाइव है जी सर एक मिनट देखिए देखिए बच्चे बूढ़े और जवान सभी देखिए देखिए बाऊजी अपनी धोती पकड़ के कैसे भाग रहा है ये रोड के बीच में क्या है रे ये बड़ी बड़ी आंखों वाला मेरे आने से पहले तू किधर भाग गया यार छोड़ो मैं एक और चांस देता हूँ पूरी जनता से मार खिलाने के लिए मैंने गांव के सेंटर में तेरा पक्का इंतजाम किया है अगर तुझ में दम है तो गाय का पेशाब भी कर मेरे पास आना फिर दिखाता हूँ मैं तुझे अपना कमाल चलो गाड़ी घुमा रे निकाल लो गाड़ी घुमाओ गाड़ी इसमें ही दिन निकल जाएगा जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा आ रहा हूँ जीजू अरे ओ पुलिस वाला तूने बाऊजी को चैलेंज किया था कि बीच रास्ते में जनता से मार खिलाएगा अब देखते हैं किस में कितना दम है चलो आ जाओ इस तरह से तुम लोग डरोगे तो उसका हौसला और बढ़ेगा चलो सब चलो चलो क्या चलो उनके शरीर में खून नहीं है उनके शरीर में बाऊजी का पेशाब है इसकी बात सुनकर तुम में से किसी को गुस्सा नहीं आ रहा क्या उसके पीछे खड़े लोगों से डरो मत आगे बढ़ो
तुम कितना भी चिल्लाओ इनमें से कोई भी मेरे सामने नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं एक चुटकी बजाऊंगा तो कोई भी औरत अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाएगी, देखोगे क्या? आओ जब तक तेरे पेट में मेरा बच्चा नहीं रहेगा तब तक मैं तेरे साथ ऐश करूंगा। आ बैठ तेरी जान पे। ऐश करेगा रे भड़काऊ, ये ताकत मुझ में पहले आती तो दोनों बाप बेटों को मार के तुम दोनों की लाश को कुत्तों को दो। बैठो करके बोल रहा था, अपने आपको तो रीजन समझ रहा था, खुजली निकल गई। उठने टिंगू, उठ। औरत से मार खा रहा है तू, अपने आप को गुंडा समझता है? अब पुलिस वाले तुझे कच्चा खा जाएंगे, चल मारो और मारो। आगे से पुलिस की यूनिफॉर्म देखेंगे तो पैंट में पेशाब कर देंगे ये लोग। मैं इसका झिंता तो हो रहा है। रुको रुको रुको, ए एसपी, क्या क्या ये सब? ये सब इन पे तोड़ा क्या? हाँ 100 में से 95 यूज किया, क्यों भाजी हिसाब सही है ना? रुकने को बोलो, रुकने को बोलो, तुम्हें अकल नहीं है क्या? मेरी गैर हाजिरी में इतने बड़े आदमी को पुलिस स्टेशन में लाकर मार रहे हो? सॉरी सर, भूल हो गई, रुको रे। सर की गैर हाजिरी में मारा इसलिए इनको फील हो रहा है, फिर से शुरू करो। अरे जाओ मंत्री, जाओ, हाथ हिलाते हुए आया, अरे फिर से मुझे मार खिलाएगा, जाओ 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 जाओ। आप टेंशन मत लो, सब मिल बांट के मार सकते हैं, तभी नेताओं की चर्बी थोड़ी कम होगी, समझे? नहीं, मैं पहले से बीमार हूँ, लाठी मुझ पर टिकती नहीं। बाबूजी इस बार लाठी अकेले अपना काम करो। एक मिनट, जीजू मैं तुम्हारा रामदास बनना चाहा, तुम अकेले अंदर जाकर बैठ गए। घर जाने दो जीजू, मैं आपकी मुसीबत बाहर से बांट लेता हूँ, आप मार खाओ मैं चीखूंगा। मारो। क्या हुआ भैया? वो आदमी मुझे किसी कीमत पर चाहिए। रो मत, बरो नहीं मैं हूँ ना, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। चंबल की घाटी में बहुत बड़े डाकू रहते थे, बिल्कुल इन सब की तरह। तभी वहाँ पर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर आया, बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसा, और इन सब को मार मार के खीमा बना दिया। लगता है टिटला के हाथ की मार विक्रम राठौर भूल गया है। विक्रम राठौर तो मर गया है, अभी आया है सत्ती बाबू अतिली।
विक्रम राठौर को तो पीछे से वार किया तुमने, लेकिन सत्ती बाबू तो खुद बहुत बड़ा चोर है, उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरी बात मानो तो उसके आने से पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी। चिंता ता चिता चिता चिंता तत्ता कर देगा वो। ये चिंता चिंता क्या होता रे? मैं बता दो जिंदा मतलब कमर, तादा मतलब लाठी, जिंदा मतलब मार। टोटल में इन सब का मतलब होता है मार मार के कीमा बनाना। वो तो पता नहीं, जिसने भी मीनिंग पूछा उसका कीमा बन गया। फर्स्ट पूछा था जीजू और सेकंड तू। हम पर हाथ डालने से पहले हम उसकी बेटी को ही काट डालते हैं, क्यों? मेरी बेटी को पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो सबको जान से मार डालूंगा, समझे? अरे बाप रे, आ गया खींचक लेती। Oh!
का तो चिंता करेगा मेरा, आज मैं तेरा चिंता करूंगा, देखता हूं कौन बचाता है तुझको। ये शहर में शनि की तरह था, इसको मार के तुम सब लोगों की आंखों में उजाला देखने का एक पुलिस ऑफिसर का सपना था, वो पूरा हो गया। विक्रम राठौर जीत गया। इसका सहारा लेकर बाऊजी ने शहर वालों को बहुत तकलीफ दिया। ये बाऊजी अब कुत्ते की तरह गली गली भीख मांगेगा। ऐसे प्लेट लेकर बैठोगे तो भीख कौन देगा? ऐसा बोलो दे बाबा, तब जाके लोग तुम्हें भिखारी समझेंगे। एक महीने से घर नहीं गया, बीबी चिल्ला रही है, मैं घर जाके आता हूँ। हिलेगा तो मार दूंगा, वो आएगा तो तेरे हिस्से का मुझे मार के जाएगा। बाबूजी कुछ मिलेगा खाने के लिए, भूखा हूँ मैं दो दिन से। अबे एक महीने से मैं खुद भूखा हूँ, भाग जाते, पता नहीं कहाँ से आ जाते। शेर आ गया। सर हम रेडी हैं, हमें जो सजा देना हो दे दीजिए। अभी मूड नहीं है, बाद में आऊंगा, तब तक यही रहना, अगर नहीं मिले तो डबल मारूंगा। यही रहूंगा सर, सिंगल ही ठीक है। देखी कभी न जैसी, देखो ये नर्स ऐसी, देखी कभी न जैसी, मुझको पता चला ना, मुझको पता चला ना, हाँ सुई चुभाई कैसी। जिसको प्यार मिला हो वो है किस्मत।
Thank you.